तो देखिए फाइनली अजय देवगन की फिल्म नाम का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। भूमिका चावला भी है, राहुल देव भी है फिल्म में, और साथ ही देखेंगे तो अजय देवगन देखने को मिल रहे हैं। और देखेंगे तो फिल्म जो है ये रिलीज होनी थी साल 2008 में, फिर उसके बाद डिले हुई। फिल्म कहा गया कि 2014 में रिलीज होगी, लेकिन तब भी फिल्म भैया अटकी रही और अब फाइनली इतने सालों बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। 22 नवंबर को फिल्म को रिलीज किया जाना है। ऐसे में आज ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जहाँ पे हमें देखेंगे तो उनकी कहानी के बारे में जानने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक आदमी है वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, उसको अपने नाम की तलाश है कि वो आखिर उसका नाम क्या है, क्या उसकी पहचान है। वही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, और इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि पता चलता है कि हाँ भैया अमर उसका नाम है, फिर उसके बाद पता चलता है कि भैया माइकल है, फिर एक और नाम सामने आता है। तो वही सारा कन्फ्यूजन चलने वाला है, किस तरीके से क्या असली पहचान रहने वाली, क्या असली नाम अजय देवगन का फिल्म में रहेगा, वही सारी चीजें हमें उस फिल्म में देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं राहुल देव देखने को मिल रहा है, देखने को तो इतने सालों पुरानी फिल्म है, तो वही जिस तरीके से फिल्म बनती थी उस टाइम पे उसी तरीके की फिल्म लग रही है। लेकिन यह है कि अभी देखें सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और अजय देवगन के फैंस तो भी थिएटर्स में देखने जाएंगे जाएंगे। एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं फिल्म को रिलीज करके, क्योंकि देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीन ज्यादा मिलने वाली, काफी कम स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। लेकिन चलो ठीक है भैया, जब हम देख रहे हैं कि फालतू की फिल्में भी लोग OTT पर रिलीज कर देते बड़े बड़े, तो यहाँ पे भैया इनिशिएटिव ले रहे हैं मेकर्स के, नहीं हम तो बड़े पर्दे पर ही लेके आएंगे अजय देवगन की फिल्म को। अच्छा है अनीस बज्मी ने फिल्म का डायरेक्शन किया, उम्मीद है फिल्म से काफी ज्यादा है, देखते कैसी क्या फिल्म निकल कर आती है। 22 नवंबर को फिल्म आ रही है, आपको ट्रेलर कैसा लगा नाम का कमेंट करके।